देखिए बच्चों, आज मैथ में हमारा जो टॉपिक है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्यू के रूप वाले द्विघात त्रिपद के गुणनखंड है। द्विघात त्रिपद के गुणनखंड देखिए, द्विघात का मतलब दो भाग, एक्स पर दो भाग लगी हुई है। त्रिपद का मतलब तीन पद, कितने पद है? एक दो तीन। तो इसी रूप के सारे सवाल हैं। तो मैं आपको आज इस रूप के चार टाइप के सवाल बताऊंगा। कितने टाइप होंगे हमारे सवाल? चार टाइप। वो सवाल हमारे कौन से हैं? एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस चौदह, एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस सात, एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स माइनस अट्ठाईस, टू एक्स स्क्वायर माइनस अठारह एक्स प्लस चौदह। इन सवालों को हल करने के लिए एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने उसको ध्यान में रखा, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको प्राइम घट करना, अभाज्य गुणनखंड करना आते हैं, अचल पद। यहाँ पर जिस बहुपद को हम हल करेंगे उसके अचल पद को देंगे। अचल मतलब संख्या, अंक। अगर वो प्लस में है, इसे आपको पहला हल करना है एक्स स्क्वायर प्लस नौ एक्स प्लस चौदह। अगर हमको पहला वाला अपना बहुपद हल करना है तो हमने देखा हमारा अचर पद चौदह प्लस में है या माइनस में? इसमें है। अगर प्लस में है तो हमारे गुणनखंड जो के आएंगे इसमें आएंगे, और अगर माइनस में है तो घट के आएंगे। ठीक है, तो हम इस अचर पद के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हमने प्राइम घट कर देंगे इसके अचर पद। यहां पर अचर पद कितना है? चौदह। आप चौदह लिखिए, कितने कट गए? दो सत्य सात, सात निशान का आएगा नीचे, ऐसा ये जोड़ के आएंगे, ये बीच वाले क्या आएंगे? जोड़ के आएंगे, और वो जोड़ेंगे हम किनको? इनसे लेंगे, इनसे, इनसे। जरूरत पड़ी तो इस एक को भी लेंगे, कभी कभी इसकी जरूरत हमको पड़ जाती है। एस स्क्वायर प्लस दो प्लस सात, आगे जोड़ के ये जो एच जो है वो ब्रैकेट में यहाँ रह जाएगा, गुणा के रूप में। किस रूप में होगा ये? बाकी कौन से ऐसी बात है? ठीक, हम एस स्क्वायर चिन्ह के साथ में ये एच लगा हुआ है या जो भी अच्छा लगा हुआ होगा उसके साथ में इसकी मल्टी करते हैं, गुणा करते हैं। प्लस 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 प्लस, अब दो की गुणा करो एस कितना हो गया? ये दो है। प्लस प्लस सात की गुणा करो एस कितना? एस गुणा करो सात से कितना हो गया? सात है। प्लस चौदह, तो आपको चेक करें दो एस प्लस के सात एस प्लस जुड़े कितने बने? नौ एस, नौ एस है। यहां पर हम सवाल को अपने ठीक कर रहे हैं। अब हमको देखना पड़ेगा कि इन दो पदों में कॉमन क्या है, एक सब क्या बाहर ले सकते हैं एस, क्योंकि हम एस की पावर दो है, तो इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, यहां से एस बाहर निकल जाएगा। अगर हम दो लेते हैं कॉमन, यहां तो दो मिल जाएगा मगर यहां दो नहीं मिलेगा, तो इससे हमें एस कॉमन लेना है। अच्छा, इसमें कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रेक कर रहा हूं, एस की घात दो थी, एस की घात दो का मीन्स क्या, मतलब क्या? एच गुणा एस, एक एक्स बाहर आ गया, यहां पर एक एक्स बचा है, दो एस का मतलब क्या है? दो गुणा एच, एच बाहर आ गया, दो क्यों बचा? बिल्कुल कम में बंद। अब यहां पर दो अंक कामन लेंगे, जो कामन लेने के बाद में ब्रैकेट के अंदर एस पर दो बचे, कितना बचे? दो। देखिए, अगर हम एस कॉमन लेते हैं तो यहां नहीं मिलेगा, सात कॉमन लेंगे तो सात यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा। काम का मतलब देता है उसमें पद में उसकी टेबल पर रहा पहाड़ पर रहा। ठीक है, प्लस सात कॉमन लेंगे, यहां सात बाहर आ गया, एस कितना बचा? एस प्लस 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 सात की चिन्ह की भी गुणा करते जाएंगे, सात गुणे चौदह। अब बताइए पूरे उसमें क्या काम है? एच प्लस ये कॉमन है। अब हमने पूरे इसमें से एच प्लस दो कॉमन ले लिया, फिर
तामा देने के बाद वही प्रक्रिया होती है जो ब्रेकेट डालते हैं, लगाए ब्रेकेट, यहां से एक्स का दो आ गया, यहां क्या बचा, यहां क्या बचा, प्लस एक्स का दो आ गया, यहां क्या बचा, सात, यहां का आंसर हो गया। समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से हमारा द्विघात त्रिपद द्विघात त्रिपद बहुपद का एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे सवाल करेंगे। देखिए ये वाला बहुपद हमारा गुणनखंड हो गया इसका, अब दूसरा बहुपद बनाते हैं। दूसरा हमारा बहुपद है एस स्क्वायर प्लस सात एक्स माइनस के सात। तो यहाँ पर अचर पद कितना है, तो आपको फैक्टर किससे करना है, किसमें है, माइनस में प्लस में, तो ये जोड़ के आएंगे या घट के आएंगे, तो हम साठ के हम गुणनखंड करते हैं, कितने कितने जाएगा, दो दिया कितने जाएगा, वही कम दो पंजे कितने जाएगा, पांच दिया तीन, तीन से हमारे ये फैक्टर है। ठीक है, हमको माइनस में घट के लाना है, तो आपको कितना लाना है, सात है, कितना लाना है, देखिए दो दुनी चार या बारह, दो दुनी चार या और बारह में से पांच निकल गया सात, ठीक ऐसे प्लस बारह माइनस पांच यस निकल गया माइनस सात, बाकी को ऐसे कर तो बारह इसमें से पांच से कितने बचे, बल्कि किसके ज्यादा किसके हैं, प्लस के, प्लस के साथ है आपके यहाँ पर मौजूद। ठीक है, अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, क्या कॉमन बन गया, एक्स, एक्स हमने कॉमन ले लिया, कॉमन के बाद ब्रेक लगा, यहाँ से कितना बचा, एक्स, प्लस यहाँ से कितना बचा, अब ऐसा हम या अच्छा कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेने के बाद में एक्स प्लस बारह बचना चाहिए। देखिए दूसरे बहुपद के दो घर हो समझाया, ठीक तरह समझ में आया, अब आप उसको नोट कर लो। देखिए बच्चों दो बहुपद पे तो हम गुणनखंड कर चुके, अब तीसरे बहुपद का नंबर है, तीसरा हमारा बहुपद है एस स्क्वायर माइनस बारह एक्स माइनस के अट्ठाईस, यहाँ पर अचर पद कितना है, माइनस का है प्लस में, जोड़ के आएंगे घटकर, वेरी गुड। अब आप अट्ठाईस पे आप अपने अभाज्य गुणनखंड करो, प्राइम फैक्टर कितने जाएगा, वही कम दो चार कितने जाएगा, दो सत्ते सात, क्योंकि सात अभाज्य से निकला है प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर खुद से ही जाता है, खुद से ही बाहर आ जाता है, देखिए माइनस का है। ठीक है, तो घट के आएंगे, अब आपको घटाने के बाद में कितने बनाना है, बारह, कितने बनाना है, ये बारह आपके बनना है, सात दुनी और चौदह मजबूत हो गया बारह बनना है, एस स्क्वायर माइनस, ठीक है, चौदह माइनस दो एक्स जो आपका ये रहेगा बाहर गुणा के रूप में माइनस अट्ठाईस, चिन्ह के साथ एस की गुणा, एस स्क्वायर माइनस प्लस माइनस चौदह एक्स माइनस माइनस दो एक्स माइनस के अट्ठाईस,
अब यहाँ चेक करें, देखिए यहाँ पर 14 एक्स है, किसमें है? नाइन। यहाँ पर 2 एक्स किसमें है? थर्टीन। चिन्ह अलग है, घटे हैं। तो 14 एक्स में से 2 एक्स बचे, कितने एक्स बचे? और माइनस के बाद है, तो माइनस के बाद है, बचे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसमें हम क्या कॉमन सकते हैं? एक्स, वेरी गुड। एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ से कितना बचा? एक्स माइनस, यहाँ से कितना बचा? चलो ब्रेक आपकी बंद। अब ऐसा यहाँ पर अक्षर या अंक का मान लो के x माइनस 14 बचे, कितना कॉमन मान लिया है? प्लस 2, कितना? 2। प्लस माइनस 2 एक कम 2 चार। अब पूरे बहुपद में क्या कॉमन है? x माइनस 14। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ से कितना बचा? यहाँ कितना बचा? प्लस 2, कितना बचा? प्लस 2 बचेगा, राइट है? दीदी चेक करो ना, एक्स कॉमन भी दो कॉमन, ठीक है। या आपका तीसरा बहुपद भी हल हो गया, आप उसको नोट कर लो। देखिए हम तीन बहुपदों पे गुणन कर चुके हैं, चौथा टाइप का हमारा बहुपद है 2x² - 16x + 14।
इज एक्स की पावर टू नंबर पहले मार्च एक्स की दो सौ गुणा होगी मार्च से दो है ठीक है सातवें चौदह इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट प्रोग्राम में मैथ का फॉलो टॉपिक लेकर आए।